डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बात करेंगे बी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में तो जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में स्टूडेंट की समाज शास्त्र की परीक्षा है तो उनको इस वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखनी चाहिए उनको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में आज की इस वीडियो से प्रश्न आने वाले तो बी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट आपका सोशोलॉजी समाजशास्त्र है तो आपको जरूर देखना चाहिए और इस वीडियो में क्वेश्चन भी हैं और उसका आंसर भी है तो बिना देरी के वीडियो को, को शुरू करते हैं और ये आपका अपना चैनल सक्सेस टू है अगर जानकारी अगर वीडियो अच्छी लगेगी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हालाँकि क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ठीक है पहला प्रश्न है कि समाज शास्त्र की उत्पत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं भाई समाजशास्त्र पढ़ना है तो समाजशास्त्र की शुरुआत उत्पत्ति कहाँ से हुई ठीक है उसके बारे में आपको जानकारी तो होनी ही चाहिए ठीक है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसकी उत्पत्ति के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए कि क्या है कहाँ से शुरू हुआ क्या मामला है ये जानकारी होनी चाहिए तो चलिए जानते हैं तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति का जो मुख्य श्रेय है वो फ्रांस के फ्रांस देश के एक दार्शनिक है एक विद्वान है एक वैज्ञानिक बे, है बोल सकते हैं अगस्त कामटे को जाता है यानी कि अगस्त कामटे ही ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति की है ऐसा कह सकते हैं ठीक है जिन्होंने सबसे पहले अट्ठारह में सर्वप्रथम सोशोलॉजी शब्द का प्रयोग किया अतः कामटे यानी कि अगस्त कामटे को समाजशास्त्र का पिता यानी कि फादर ऑफ सोशोलॉजी भी कहा जाता है बिल्कुल सिंपल भाषा में समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति है जो शुरू किया है उनका नाम है वो फ्रांस के प्रमुख विद्वान दार्शनिक थे उनका नाम कामटे था और इन्होंने सबसे पहले 1838 में सर्वप्रथम सोशोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था ठीक है अतः कामटे को समाज शास्त्र का पिता कहा जाता बिल्कुल आफान भाषा में प्रस्तुत कर दिया है ताकि आप लोग कहानी की तरह पढ़ लें और तैयार कर लें समाज शास्त्र के विकास की विकास की प्रथम अवस्था यूरोप से शुरू हुई यानी कि उत्पत्ति तो हो गई लेकिन जो इसका भाई विकास हो लोग तक जाने लोग समझें इसको और आ, आप मतलब कि आज ऐसा दिन आ गया कि आज हर स्टूडेंट मतलब कि जो आ, बीए में है तो उस समाजशास्त्र के रूप में वो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ता है चाहे यूपी एससी के एग्ज़ाम हो चाहे एसआई के चाहे हर एक जितने भी ए, यूपी में एग्जाम होते हैं हर में सोशोलॉजी से संबंधित प्रश्न आते हैं ठीक है तो ध्यान से चलेंगे कि इसकी जो विकास की जो शुरुआत है वो प्रथम अवस्था में यूरोप देश से शुरू हुई और सामाजिक जीवन के बारे में व्यक्तिगत ढंग से सोचने का प्रयास यूरोप के यूनानी प्रमुख दार्शनिक जिनका नाम है प्लेटो तथा उनके शिष्य आरफतू को जाता है यानी कि जो मतलब कि इसके बारे में अच्छे ढंग से आ, मतलब कि सामाजिक जीवन के बारे में अच्छे व्यवस्थित ढंग से सोचने यानी कि सोशोलॉजी का लोगों के जीवन में कैसे आ, इसका उपयोग है और सोशोलॉजी में जो इंसान है वो किस तरीके से उसको हम एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से उसको हम व्यवस्थित करेंगे ये सब प्रयास किए गए हैं और ये जो प्रयास किए गए हैं यूनान के दार्शनिक थे जिनका नाम है प्लेटो और उनके एक्सेस यानी कि चेला थे जिनका नाम था अरस्तु उन्होंने किया है और अगस्त कामटे ने समाज से संबंधित अध्ययन को सर्वप्रथम सामाजिकी सॉरी सामाजिक भौतिकी यानी कि सोशोलॉजी फिजिक्स के नाम से पुकारा समाजशास्त्र में हर्बर्ट स्पेंसर जो कि प्रमुख विद्वान है इन्होंने 1820 से 1803 तक मैक्स फेवर के नाम पर विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं ठीक है थीके? तो इस बात को ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि समाज शास्त्र में हर्बर्ट स्पेंसर और मैक्स वेवर का भी नाम विशेष रूप से जोड़ा जाता है और इसमें इनको प्रसिद्धि मिली ठीक है उसके बाद लिखेंगे कि मानो एक सामाजिक प्राणी है इसलिए प्रारंभ में समाज के विषय में चिंतन कर रहा है मतलब कि मनुष्य एक समाज में रहने वाला प्राणी है इसलिए शुरुआत से समाज के विषय में चिंतन करता है कि भाई हम जिस समाज में रहे जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसको हमें ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा उसके दिशा निर्देश को मानना पड़ेगा उसी हिसाब से हमको आना जाना पड़ेगा उसी हिसाब से हमें रहना पड़ेगा उसी तरह बोलना पड़ेगा उसी तरह सब मैनेजमेंट यानी कुल मिला के जो है रहने पे खाने से पीने पे उठने से बैठने पे सोचने से समझने से हर चीज़ समाज को देखकर आपको करना पड़ेगा समाज को एक ध्यान में रखते हुए आप कुछ भी करेंगे तो समाज के विषय में चिंतन करता है भारत में वेदों सहितों असमितियों में मानव तथा समाज का उल्लेख किया गया है विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र में समाज पर लिखा है कि समाजशास्त्र का जन्म अठारह में फ्रांसीसी चिंतक अगस्त कामटे से माना जाता है भाई विष्णुगुप्त हैं इन्होंने अर्थशास्त्र में समाज पर लिखा है कि समाजशास्त्र की जो शुरुआत है फिर समाजशास्त्र का जन्म अठारह में फ्रांस के जो प्रमुख विद्वान है वस्त कामटे से माना जाता है उन परिस्थितियों का उल्लेख बस समाजशास्त्र का विज्ञान के रूप में जन्म हुआ है तत्कालीन यूरोप का बौद्धिक परिपेक्ष महत्वपूर्ण है तो सिंपल सा उत्पत्ति के बारे में लिखेंगे कैसे कैसे अलग अलग विद्वान आए और उन्होंने अच्छे तरीके से या फिर और बेहतर तरीके से सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र को एक्सप्लोर किया और उसको विख्यात किया लोगों तक उसको पहुँचाया और ताकि आज आप लोग देखते हैं सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है बिल्कुल कहानी की तरह आप इसी तरह लिख देंगे पूरे नंबर मिल जाएंगे और ये क्वेश्चन आपके अति लघु दीर्घ उत्तर किसी में भी आ गया तो आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे मुझे पूरा भरोसा है बस एक दो बार और इसको अच्छे समझ लीजिएगा मतलब एक दो बार और वीडियो देख लीजिएगा नस नस में बढ़ जाएगा आपके लोगों के ठीक है बस जाएगा अगला कि समाज साफ की विषय वस्तु बताइए हालांकि क्वेश्चन हमेशा नहीं पूछा जाता लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी आपको लेना जरूरी तो समाज साफ की विषय वस्तु में एक प्रमुख विद्वान है जिनका नाम है गिन्स इन्होंने समाज स्वास्थ्य की विषय वस्तु के विषय में अपना मत व्यक्त किया है जो कि निम्नलिखित है पहला कि पहला व्यक्त किया है गिन्स ने समाज स्वास्थ्य की विषय वस्तु को लेकर के सामाजिक रचनाकार या आकारिकी इस सामाजिक रचनाकार या आकारिकी में इस वर्ग में उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है समाज की विषय वस्तु में उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जिनके व्यवहार नियंत्रित होते हैं जैसे कि समूह समुदाय समता समितियाँ ठीक है तो इनके क्या हैं व्यवहार वो नियंत्रित होते हैं ठीक है समूह समुदाय समितियाँ के तो इनका अध्ययन किया जाता है दूसरा सामाजिक नियंत्रण इसके अंतर्गत उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जिसमें मानव व्यवहार नियंत्रित होते हैं यानी कि मानव का जो व्यवहार होता है रिलेशन होता है ठीक है दोस्ती यारी होती वो नियंत्रित होती जैसे कि कानून धर्म नीति तथा संघर्ष ठीक है उसके बाद सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक प्रक्रियाएँ में इसमें उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है फिर उन प्रक्रियाओं को समझा जाता है सीखा जाता है जाना जाता अध्ययन किया जाता है जो विभिन्न वर्गों में प्रचलित है जैसे कि अंत क्रियाएँ संबंध सहयोग संघर्ष ये सब क्या है ये सब विभिन्न वर्गों में प्रचलित हैं अगला है कि सामाजिक व्याधिकी इसके अंतर्गत सामाजिक विघटन अपराध निर्धनता बेकारी आत्महत्या आदि ब्योधियों का अध्ययन किया जाता है तो ये हैं प्रमुख गिन्स वर्ग के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में निम्नलिखित टिप्पणी और निम्नलिखित टॉपिक जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे समाजशास्त्र विषय वस्तु के बारे में तो आप इसी तरह लिख सकते हैं ठीक है अगला कि समाज की परिभाषा दीजिए समाजशास्त्र एक अलग चीज़ है और समाज एक अलग चीज़ है है सिमिलरी ठीक है लेकिन समाज की परिभाषा कुछ और है और समाजशार्थ की परिभाषा कुछ और है अभी आपको दोनों पता चल जाएगा तो पहले तो समाजशार्थ की परिभाषा सुन लीजिए और समाजशार्थ की परिभाषा एम गिन्सवर के अनुसार सुनिएगा एक प्रमुख विद्वान है और इन्होंने कहा कि समाज को प्रभावित करते हुए इन्होंने लिखा कि समाज व्यक्तियों का संकलन है जो अनेक संबंधों और व्यवहारों की विधियों द्वारा संगठित है तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे नहीं मतलब कि जो इंसान संबंध और व्यवहार में नहीं है वो वो इंसान जो समाज का नहीं है ठीक है समाज का इंसान वही है समाज के व्यक्ति वही हैं जो व्यवहार संबंधों इन सभी विधियों द्वारा संगठित हैं ठीक है वही होते हैं सामाजिक इंसान ठीक है या फिर उसे कहते हैं समाज तो इसी तरह आप लिखेंगे ए, समाज की परिभाषा और वहीं पर एक दूसरे विद्वान है जिनका नाम है ई बी ने लिखा है कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है ठीक है तो हालांकि इनमें से जो आपको परिभाषा लगे वो तैयार कर सकते हैं बाकी अगर आप इनमें से दोनों समझ में नहीं आए तो कोई टेंशन नहीं है अभी और भी बहुत सारी परिभाषाएँ हैं समाज की वो मैं आपको सिंपल भाषा में प्रस्तुत कर दूँगा तो आप वो तैयार कर लीजिएगा ठीक है अगला है कि विशुद्ध और सीमावर्ती समुदाय के कुछ उदाहरण बताइए हालांकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है तो अगर आप पढ़ भी सकते हैं इग्नोर भी कर सकते हैं चल ठीक है तो विशुद्ध और सीमावर्ती समुदाय के कुछ उदाहरण हैं जिसमें से विशुद्ध समुदाय में जनजाति ग्राम नगर आदि झुंड आ जाएगा और सीमावर्ती समुदाय में परिवार पड़ोस बंदी ग्राह राज्य आ जाएगा ठीक है हालांकि हमेशा नहीं आता कभी कधार आ गया तो आ गया और इग्नोर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर मत तैयार करें अगला क्वेश्चन है कि गाँव क्या गाँव एक समुदाय है तो चलिए जानते हैं किसी भी समूह को समुदाय मानने के लिए यह जानना आवश्यक होता है मतलब कि कोई भी समूह है उसको समुदाय मानने से पहले कुछ जानना जरूरी होता है वो ये है कि उस समूह की विशेषता उस समूह में विशेष क्या है कुछ अलग क्या है तथा उसके जो आवश्यक जरूरी तत्व होते वो क्या है यदि उस समूह की विशेषताएं समुदाय की विशेषताओं के समान ही हैं तो वो समुदाय कहा जाएगा उसको ठीक है चूँकि गाँव का भी एक निश्चित भूभाग होता है भाई निश्चित भूभाग होता है कि यहाँ भाई पाँच घर हैं दो घर हैं चार घर हैं तो इसको हम कहेंगे कि हाँ भाई एक गाँव है और उसका एक निश्चित होता है कि यहाँ इतने ही निश्चित होता है ठीक है भूभाग कि यहाँ इतने में गांव फैला हुआ है ठीक है बस ठीक है और यही इसीलिए कहा गया कि निश्चित भूभाग होता है एक विशिष्ट मानव सॉरी एक विशिष्ट नाम मानो का या फिर एक विशिष्ट नाम मानवों का समूह समूह हम की भावना स्वतः जन्म सामान्य जीवन आत्मनिर्भरता स्थायित्व तो होता है इसलिए गांव एक विशुद्ध समुदाय है गांव में समुदाय की सभी विशेषताएं और आवश्यक तत्व निहित होती है यानी कि विशेषताएं भी होती हैं और आवश्यक तत्व होते हैं जो कि इसमें होते हैं इस तरह आप लिखेंगे कि क्या गांव एक समुदाय है तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि गांव एक समुदाय है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समाज की विशेषताएं बताइए तो एक बहुत ही प्रमुख विशेषता है आप लिख दीजिएगा कि जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है यानी कि जो समाज है और उसमें रहने वाले जो सामाजिक इंसान आप हम हैं वो संबंधों का जाल है मतलब आप हम आपके रिश्तेदार आपके रहने वाले पड़ोस कहीं ना एक दूसरे से संबंध है तो इन्हीं संबंधों का एक जाल है जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में अगर आप कोई बांध एक जाल बांध देंगे तो जाल में बहुत सारे आप लोगों के ठीक है खेती करते तो उसी में आप लोग धान उगाए होंगे उसी में मान लीजिए आपने कोई ठीक है सब्जी लगाई होगी मूली लगाई होगी बैंगन लगाया होगा टमाटर लगाया होगा ठीक है तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसी और ये आपका एक जाल है इसी जाल के अंदर इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है क्योंकि इसमें एक दूसरे इंसान से एक इंसान दूसरे इंसान से कही कहीं ना कहीं संबंधों से जुड़ा हुआ है और वो एक तरीके से जाल कहलाएगा ठीक है क्योंकि ये जैसे ये इंसान है ये इंसान है ये इंसान है ये इंसान है तो इसमें ये मान लीजिए आपके मौसा हैं या आपके दादा हैं या आपके चाचा हैं या आपके मामा हैं आपके पड़ोसी हैं तो ये सब क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ये सब क्या है जाल है ठीक है बस इसी तरह लिखेंगे मेन विशेषता यही बाकी बहुत सारी विशेषताएँ आप लिख सकते हैं कोई बात नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट कर लीजिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की समुदाय की परिभाषा दीजिए ठीक है या फिर समुदाय की परिभा परिभाषित कीजिए तो अलग अलग विद्वानों ने समुदाय की परिभाषा अलग अलग प्रस्तुत की है किम्बल यंग ने कहा कि समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक ही संस्कृत के अधीन एक अवस्थान अथवा क्षेत्र में रहता है और अपनी प्रमुख क्रियाओं के लिए समान भौगोलिक केंद्र से प्रभावित होता है वहीं पर एक प्रमुख विद्वान जिनका नाम गिन्सबर्ग इन्होंने कहा कि समुदाय की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि समुदाय एक निश्चित भूभाग पर रहने वाली वह वा समस्त जनसंख्या है जो सामान्य नियमों की व्यवस्था द्वारा जीवन की अंतर क्रियाओं को प्रभावित कर साथ साथ रहती तो हमको तो यही बढ़िया लगी गिनस वर्ग के अनुसार गिनस वर्ग के अनुसार लिख देंगे परिभाषा समुदाय की समुदाय एक निश्चित भूभाग में रहने वाली समुदाय जो है वो एक निश्चित भूभाग में रहने वाली समस्त ठीक है वह समस्त जनसंख्या है वो समस्त लोग हैं जो सामान्य नियम यानी कुछ कुछ जो नियम हैं उनकी व्यवस्था द्वारा जीवन की अंतक्रिया को प्रभावित कर साथ साथ रहती हैं बस ये इंपॉर्टेंट है ये नोट कर लीजिएगा ये वाली परिभाषा बेटर है अब अगला प्रश्न है कि समुदाय और समाज में फिर समाज और समुदाय में अंतर बताइए तो बहुत सारे अंतर हैं पहला है कि समाज का कर्म स्थल विशाल है या व्यापक धरातल पर काम करता है और जबकि जो समुदाय है समुदाय का कर्म स्थल सीमित है या सीमित क्षेत्र में काम करता है ठीक है सिंपल सी सिंपल सा है ना उत्तर दूसरा है कि समाज औपचारिक संबंधों पर आधारित है जबकि समुदाय जो है समुदाय के संबंध जो हैं अनौपचारिक होते हैं अगला कि समाज में व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है जबकि समुदाय में व्यक्तियों के उद्देश्य की सीमित ही होते हैं उसके बाद अगला है कि समाज का कोई नाम नहीं होता इसे भौगोलिक विश्लेषण के द्वारा जाना जाता है जैसे भारतीय समाज यूरोपीय समाज आदि जबकि समुदाय एक विशिष्ट नाम होता है यह नाम समुदाय के लिए अप, अपनापन व सहयोग बढ़ाता है अगला है कि समाज में विभिन्न भी सांस्कृत के लोग रहते हैं अतः समाज में विभिन्न भी सांस्कृतियों का संगम स्थल है जबकि समुदाय की अपनी एक खास सांस्कृत होती है जिसे विशिष्ट सांस्कृत कहा जाता है तो इस प्रकार लिखेंगे दोनों में अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नोट कर लीजिए समुदाय और समिति में अंतर पढ़ लीजिएगा ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके उसके बाद संस्था के लक्षण बताइए संस्था के कार्य बताइए ये भी कॉमन क्वेश्चन है कई बार रिपीटेड है ठीक है संस्था किसे कहते हैं इसकी परिभाषा पढ़ लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है तो आज की इस वीडियो में बस हम इतने ही क्वेश्चन और आंसर कवर करेंगे क्योंकि अभी एग्जाम को टाइम है और आप लोग अभी पूरा वीडियो देखते वैसे भी नहीं तो टाइम आप लोग आ, हम मतलब कि हम ये नहीं कहेंगे कि सभी स्टूडेंट ऐसा करते लेकिन कुछ स्टूडेंट ही वीडियो को पूरा देखते बाकी नहीं देखते तो हम चाह रहे हैं कि धीरे धीरे तैयारी हो ताकि आपको बोरिंग भी ना फील हो और आप वीडियो पूरा देखें जितना पढ़ें जितना समझें वो पूरी तरह समझें ठीक है पूरी तरह आपको समझ में आए बस यही उद्देश्य है बाकी इतने क्वेश्चन आंसर की अगर आपको पी चाहिए तो टेलीग्राम व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा तो उस पर आपको वहाँ से हम सेंड करा देंगे ठीक है बाकी धीरे धीरे तैयारी चालू रहेगी और ये जो सारे क्वेश्चन अभी मैंने बताए हैं ये रामबाण क्वेश्चन है ये सब कॉमन है ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम दो से तीन बार देख लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा एक ही बार क्वेश्चन को तैयार करने से या फिर एक ही बार वीडियो को देखने से सभी क्वेश्चन और आपके एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो जाती क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर एक ही दिन वीडियो या फिर एक ही दिन से तैयारी करने से अगर सब हो जाता तो जो आपका कोर्स छः महीने का है और छः महीने पर जो एग्ज़ाम होते हैं ये हर एक महीने पर ना हो जाए भाई एक ही दिन में तैयारी करना है तो एक महीने में कंप्लीट हो जाए पेपर फिर दूसरे महीने दूसरे सेमेस्टर हो जाए तीसरा हो जाए छः महीने के अंदर पूरा आपका बी ए हो जाए तो आप लोग समझिए वरना एक एक साल दो दो साल जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं चाहे जो भी एग्ज़ाम के वो एक ही दिन में ना पढ़ाई करके चले जाएँ तो आपसे बोल रहा हूँ कि कम से कम दो से तीन बार पढ़िए रिवीजन करिए दिमाग पर चढ़ जाएगा तब तो कभी नहीं बोल पाएंगे एक बार दिमाग में चढ़ने के बाद आप कुछ भी बोल नहीं पाएंगे ठीक है बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही आपका अपना ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हो गौर नए वीडियो के साथ जय हिंद